हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज हम अपने किचन में बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में वेज बिरयानी। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस झटपट बनने वाली, इसको ज़रूर आप लोग ट्राई करिए। चलते हैं अपने किचन में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मिसेज रेखा अपने यूट्यूब चैनल कुक विद मिसेज रेखा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम चावल बनाएंगे। तो ये चावल हमने 400 ग्राम्स लिया है, उसको धो करके थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था और ये पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है। इसमें हम तेज़पत्ता, छोटी इलायची, जीरा, लौंग, दालचीनी इन सबको डाल देंगे पानी में ताकि इसका स्वाद आ जाए। और एक कटोरी में तब तक गर्म दूध में केसर हमने भिगो कर रख दिया है। देखिए पानी बॉयल आ गया है। अब ये सारे जो खड़े मसाले हैं इन सबको हम हटा देंगे, ये तो इसका बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा इसमें। अब इस बॉयल पानी में हमने जो चावल भिगो के रखे थे उसको हम डाल देंगे। और थोड़ा सा सेंधा नमक, हल्का ही सेंधा नमक डालिएगा। तो बॉयल पानी में हम इसको बराबर से चलाते हुए पकाएंगे और हमको चावल को 90% पकाना है। प्याज हमने 5 से 6 प्याज पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिए थे, पनीर कट कर लिया, और वेजिटेबल्स ये गाजर, गोभी, कैरेट, कॉलीफ्लावर और ये लहसुन और हरी मिर्च, सब सब्जियां कट कर लिए। और ये मटर लिए हैं 1 कप और ये तेज पत्ता और लौंग 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर, टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और रेड चिल्ली पाउडर, ये भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, और 1/2 कप दही। और ये हमने इसमें मिलाया है ये बिरयानी मसाला और थोड़ा सा ऑयल कुकिंग, सबको एक साथ डाल करके मैरिनेट कर लेंगे। ये हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको बता रहे हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में ऐसे ही यूज़ बनाया जाता है। इन सबको मिक्स करके 5 से 10 मिनट्स के लिए इसके लिए थोड़ा सा साइड रख देंगे। उसके बाद हम फिर ये फ्राई करेंगे प्याज। ये प्याज जो अनियन जो है बहुत ही पतले पतले स्लाइसेस में कट करिएगा। कुकिंग ऑयल डालिए, उसमें प्याज को फ्राई करिए, अच्छे से गोल्डन फ्राई करने हैं इसको। देखिए प्याज फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें फिर कुकिंग ऑयल डालेंगे और पनीर को भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा फ्राई करना है। अब ये जो हमने प्याज फ्राई किया था, 1/2 प्याज जो है फ्राइड अनियंस, इसको हम इसमें सब्जी में मिक्स करेंगे, और टर्मरिक पाउडर, ये जो सब्जी हमने मैरिनेट करके रखी थी मसालों के साथ, ये सबको इसमें मिक्स करेंगे। रेस्टोरेंट में ऐसे ही सब्जियाँ वगैरह सब पहले से ही रेडी करके रखी रहती है, जिससे झटपट ऑर्डर करने पे सब्जियाँ सब वेज बिरयानी सर्व कर दी जाती है।
देखिए इसको हमने मिक्स कर लिया है, लिड लगा देंगे, लो फ्लेम पर इस सब्जियों को पकाएंगे, सारी सब्जियां पक जाए, सॉफ्ट हो जाए अच्छी तरह से, मसाले भी साथ में भुन जाएंगे। ऊपर से कोरिएंडर लीव्स ऐड करिए, फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। अब देखिए हम बिरयानी बनाते हैं लेयर में, तो पहले जितनी भी सब्जी थी उसको हमने सबसे नीचे फर्स्ट लेयर में हमने उसको बिछा दी। अब ऊपर से जो चावल देखिए कितने खिले खिले कुक हुए हैं, 90% ही कुक करना है, बाकी 10% इसमें कुक होंगे। तो देखिए पहली लेयर सब्जी की, अब सेकेंड लेयर ये राइस की, कुक्ड राइस, ऊपर से जो हमने केसर भिगो के रखा था फिर इस पर ऐड करेंगे केसर। और फ्राइड अनियंस, इसमें ध्यान रखिएगा कि जो पैन हो भगोना है ये आप मोटे तली कर लीजिएगा और एकदम बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको कुक करना है। ये चावल का पानी जो बचा हुआ था थोड़ा थोड़ा डालेंगे जिससे स्टीम अच्छे से बने और नीचे जले ना। अब फिर एक लेयर राइस की फिर लगाएंगे, कुक्ड राइस की, फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद ऑल पर जरूर क्लिक करिए जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। देखिए अब एक लेयर ऊपर से फिर लास्ट में हम केसर की और हरी धनिया से गार्निश कर देंगे। अब इसको आटे का लो ऐसे बना लीजिए थोड़ा सा आटा और उसको ऐसे बेलनाकार करके चारों ओर से पैन पे लगा दीजिए जिससे बिल्कुल भी स्टीम ना निकले ढक्कन लगाने पर। रेस्टोरेंट में ऐसे ही यूज़ किया जाता है, ये मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल तौर पे आपको डिश रेसिपी बता रही हूँ। देखिए बिल्कुल भी ये टाइट हो जाएगा, स्टीम बिल्कुल बाहर नहीं आएगी। देखिए कुक हो गए हैं राइस, एक बार चेक कर लीजिए और देखिए इसको एक बार चेक कर लीजिए, देखिए कुक हो गए अच्छे से। अब इसको लेयर को नीचे सब्जी की जो लेयर थी और ऊपर जो राइस थी सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप मिक्स करना चाहे तो मिक्स कर लीजिए, नहीं तो थोड़ा थोड़ा निकाल करके साइड से निकाल के दीजिए। देखिए कितने टेस्टी डिलीशियस लग रहे हैं, झटपट बन करके तैयार हो गए हैं ये वेज बिरयानी। खाइए और सबको खिलाइए और कमेंट बॉक्स से लिखकर जरूर बताइए कि आपकी वेज बिरयानी कैसे बनी और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके बाय गाइस।